Hey guys, it's me Shubham Gautam back with another video. और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से पूरा एक मेरा टायर वेस्ट हो गया है। तो जैसे कि देख रहे हैं, पूरा जो इसकी जो ग्रिप है पूरी इसकी जा चुकी है, अंदर की थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन बाहर की साइड की पूरी गायब हो चुकी है। तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, मेरा जो टायर है उसके जो ग्रिप्स हैं, उसके जो ग्रूव्स हैं, पूरे गायब हो चुके हैं और टायर ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। तो चलिए बताते हैं क्यों ऐसा हुआ। लॉकडाउन के टाइम गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और वो अगर वीडियो देखना है आपको जाके आई बटन में आप देख सकते हैं। तो उस टाइम जब गाड़ी रिपेयर होके आई तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी का अलाइनमेंट बचा है और अभी कराना चाहे अभी करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस समय। पहले गाड़ियाँ नहीं बन रही थी, फिर जब बनना स्टार्ट हुई तो काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था। तो मैंने सोचा था कि बाहर से अलाइनमेंट करा लूँगा, लेकिन फिर मैंने वो चीज़ मिस कर दी और मैं भूल गया अलाइनमेंट कराना। उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा, फिर मैंने उतनी गाड़ी ज़्यादा बीच में इतनी साफ़ भी नहीं करी थोरली, बस कपड़े से पोंछ दिया करता था, एक आध बार वॉश किया, लेकिन टायर कभी वॉश नहीं किया, उस पर बस स्प्रे मार देता था पानी का तो वो साफ़ हो जाता। लेकिन इस बार जब मैंने साफ़ किया तो टायर को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो टायर है बिल्कुल इसका जो थ्रेड्स हैं वो गायब हो चुके हैं, फ्लैट हो चुका है। फिर मुझे याद आया कि जब ये बन के आई थी गाड़ी तो उन्होंने कहा था कि इसकी अलाइनमेंट ज़रूर करा लेना, और मैं भूल गया क्योंकि उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि अलाइनमेंट गया हुआ है। लेकिन उसकी वजह से देख सकते हैं आप, पूरा टायर फ्लैट हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अलाइनमेंट करवाने, और थोड़ा बहुत टायर बचा तो उसको कुछ दिन और चला लूँगा, उसके बाद से फिर इसमें फिर से एक नया टायर डलेगा। नहीं तो जो मेरा राइट टायर है जो अभी नया डला हुआ है वो भी इसके साथ साथ ख़राब हो जाएगा जल्दी, इसलिए इसका अलाइनमेंट कराऊँगा और कुछ दिन बाद इसमें टायर भी डलवा लूँगा। तो चलते हैं शॉप पर। तो स्टेयरिंग को रीसेंटर कर दिया गया है, स्टेयरिंग रीसेंटर हो गया है एकदम सेंटर पे, उसको लॉक कर देते हैं। तो अब थोड़ी देर में आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अभी पूरा कैमरा एंगल से रीडिंग्स नोट कर रहा है, तो फाइनली रीडिंग आ गई। आप देख रहे हैं जितना भी रेड पोर्शन है वो रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी लिमिट दी गई है ऊपर आप ग्रीन के बगल में येलो पॉइंट देख रहे होंगे, उसके बगल में लिमिट है, इतना चल सकता है, लेकिन रेड हो चुका है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो अब जो फर्स्ट टू आप देख रहे हैं ऊपर के, तो उसी में ही एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी के दो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, वो दोनों पीछे के हैं। तो जैसे कि ग्रीन हो गया है तो ये एडजस्ट हो गया है, दूसरा भी ग्रीन हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। आराम से, बस बस बस, देखो ये वाला हो गया, सब सारे ग्रीन हो गए। फोटो खींच लो, फोटो जा इसी से खींच लो। आ गई, टाइट कर दो। सो गाइस, मैं वहां से निकल आया और थोड़ी सी चलाई तो थोड़ा अभी स्टेयरिंग जो है मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, थोड़ा सा एक हार्डनेस फील आती थी स्टेयरिंग पे वो थोड़ी सी कम लग रही मुझे। और अभी चलाता हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा थ्री लेन्स की लोड है, थ्री लेन की रोड है। तो यहाँ पे अभी चेक करता हूँ चला के, फिर पता चलेगा सीधी चल रही है कि नहीं। तो अलाइनमेंट में काफ़ी फ़र्क आया है, मुझको फील हो रहा है। बस अब सुन लेते कोई ऐसी साउंड तो नहीं आ रही है, कुछ ख़राबी तो नहीं है। सो गाइस, अलाइनमेंट ठीक हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया है, टायर में वो हार्डनेस फील नहीं हो रहा है,
क्योंकि टायर की जो हार्डनेस थी वो स्टेयरिंग पे फील हो रही थी जब मैं चला रहा था दिन से, और उस चीज़ की आदत पड़ चुकी थी, तो इसलिए अब ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है। और कुछ दिन और चलाऊँगा तो थोड़ा और फील आएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आप लोग को बताऊँगा। और ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा जो मैंने करी है, वो अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे, अगर आप टायर चेंज करा रहे हो तो अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और एवरी 10,000 किलोमीटर पे आपको अलाइनमेंट कराना है और व्हील बैलेंसिंग भी करानी। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मेरा नया टायर था। आई बटन में मैं दो वीडियो डाल के दूंगा, तो जो पहला वीडियो है वो अभी रिसेंट में जो लॉकडाउन के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था उसी में कहा था कि अलाइनमेंट करा लीजिएगा, वो मैं भूल गया। और ये जो टायर है जो इधर का डला हुआ है वो करीबन 2 साल पहले मैंने डलवाया था, उसका भी वीडियो आई बटन मिल जाएगा, कैसे फटा था वो भी देख लीजिए। और ये नया टायर है, सेम डेट है, आप चेक कर लीजिएगा। और इतनी जल्दी वो ख़राब हो गया, बल्कि जो पीछे के जो मेरे टायर्स हैं अभी भी वही पुराने टायर्स हैं, और बिल्कुल भी वो बिल्कुल नहीं घिसे, एकदम नए के नए ग्रुप्स रखे हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।